उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है जो पुलिस के लिए सरदर्द बना है। 25,000 का इनामिया बदमाश। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां पुलिस ने काफी समय से गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से एक मोटरसाइकिल, मोबाइल, अवैध असला व कारतूस के अलावा गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश का चालान कर जेल भेज दिया गया है। वहीं हदगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह गांव निवासी रियाज अहमद के खिलाफ थाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। सीओ थरिया गांव अनिल कुमार ने बताया कि 25,000 का इनामी बदमाश रियाज काफी समय से फरार चल रहा था, जिसको अब दबोच लिया गया है। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाया जा रहे अभियान के तहत थाना हदगांव की पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित 25,000 का इनामिया अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी पट्टी शाह को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर गोवध अधिनियम के 8 मुकदमे सहित 5 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के, कुल 24 मुकदमे थाना हदगांव में पंजीकृत हैं, जिसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक कारतूस, 2.5 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल इसके पास से बरामद हुआ है। अभियुक्त गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है।